कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट, विज्ञान का एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये लोग क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, चलिए बताइए। तो अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम जिया कुमार है, मैं कक्षा 7वीं की कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय का नाम अपग्रेडेड प्लस टू गंडामन मशरफ शारन है और हमने ये प्रोजेक्ट मिलकर बनाया है जिसका नाम जल है तो कल है पाठ जल और जंगल। प्रकरण क्या है? जल चक्र। अच्छा, आप लोग जल चक्र के बारे में इसमें दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो सर, आपका नाम बताइए। तो मेरा नाम विराज अभिनव, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का नाम है, ठीक है। चलिए आप बताइए तो इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए। तो एक नंबर जो भी ये इसमें थोड़ा तेज बोलिए थोड़ा। जब तालाबों झरनों में पानी लग जाता है तो ये सूर्य का प्रकाश जब तालाबों झरनों पर पड़ता है तो ये वाष्पित होकर पानी ऊपर की ओर उठने लगता है तथा ये जाकर छोटे छोटे बूंदों में मिलता है और यही बूंद जाकर इसमें बड़ा सा एक बूंद बनाता है तथा ये भारी होने के कारण ये गिरने लगता है और इसे यह तालाबों झरनों में भर जाती है। तो यही प्रक्रिया दो दो बार चलती रहती है, ये हर बार चलती रहती है, इसको जल चक्र कहते हैं। अच्छा, इसी को जल चक्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें नदियों तालाबों और झरनों पर पड़ती है तो सूर्य के मतलब जैसे वाष्पित होकर, हाँ, सूर्य के प्रकाश से वाष्पित होकर वो ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठकर ऊर्जा के बादल का निर्माण करती है और वो छोटे छोटे बूंदे, उजल के छोटे छोटे बूंदे होते हैं, जब आपस में मिलकर बड़े बूंद का निर्माण करती है तो बारिश के रूप में फिर से वापस जमीन पर गिर जाता है। यानी फिर से वही प्रोसेस लगातार चलते रहता है। इसी प्रोसेस को आप लोग क्या बोल रहे हैं? जल चक्र। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, ये आप लोग का प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। और इसके बारे में मतलब आप लोग ये बताएं जल चक्र क्या है, ठीक है, बढ़िया। थैंक यू।